परेशानी बेटा। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में रेड लाइट हवा से ग्लास में आ रही है ना? हाँ, और इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। गुड। तो आप ये बताओ कि ये रेड लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों हो रही है? शॉर्टकट लेने के लिए मम्मा। आप ही ने तो बताया था कि ग्लास में आकर लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है और वो शॉर्टकट लेने लगती है। गुड। तो समझ लो कि इस रेड लाइट की स्पीड हवा में 100 थी और ग्लास में आकर 80 हो गई, तो इसने ये शॉर्टकट ले लिया। क्या 100? क्या बात कर रही हो मैडम, मेरी स्पीड तो 100 से भी ज्यादा है। ऐसा कहकर मेरी इंसल्ट कर रही हो आप? समझ तो लूंगी मम्मा, पर लाइट की स्पीड 100 थोड़ी ना होती है, उससे बहुत ज्यादा होती है। हाँ, माना कि लाइट की स्पीड उससे बहुत ज्यादा है, पर अभी समझने के लिए मान लो कि हवा में इस रेड लाइट की स्पीड 100 है। ठीक है, आप कहती हो तो मान लिया। ठीक है, तो अब ये सोचो कि ग्लास में आने के बाद रेड लाइट की स्पीड कम होकर 80 हो गई और उसने ये शॉर्टकट ले लिया। ठीक है, अब ये सोचो कि ग्रीन लाइट भी इस रेड लाइट के साथ अंदर आ रही है और उसकी भी स्पीड 100 है। ओके, मान लिया। फिर ग्लास में घुसते ही इस ग्रीन लाइट की स्पीड कम होकर 75 हो जाती है। पर मामा, रेड लाइट की स्पीड 80 हुई थी ना, तो ये ग्रीन लाइट की 75 कैसे हुई? क्योंकि ऐसा ही होता है, ग्लास अलग अलग कलर्स की लाइट को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। वो रेड को कम स्लो करता है और ग्रीन को ज्यादा स्लो करता है। ओके, तो अब तुम मुझे बताओ कि ग्लास के अंदर रेड लाइट से स्लो चलने वाली ग्रीन लाइट सेम रेड लाइट वाले रास्ते पर ग्लास में चलेगी या फिर किसी और रास्ते पर? ग्रीन लाइट की स्पीड रेड लाइट से कम है, तो वो टाइम बचाने के लिए रेड लाइट से भी छोटा शॉर्टकट लेगी। बिल्कुल सही जवाब, यही होता है। ग्लास के अंदर ग्रीन लाइट रेड लाइट के मुकाबले और छोटा शॉर्टकट लेती है, कुछ इस तरह। तो बस सारे कलर्स के साथ यही होता है। सारे कलर्स की लाइट की स्पीड हवा में तो सेम होती है, पर ग्लास में घुसने पर अलग अलग हो जाती है, और इसी कारण ग्लास में घुसने पर वो सब अलग अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है मम्मा, पर इसे रेनबो कैसे बन जाता है? सबसे पहले ये बताओ कि व्हाइट लाइट कितने कलर्स से मिलकर बनती है? 7 कलर्स से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। गुड। तो ये बताओ कि इस डायग्राम में अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म में घुस रही है तो कितने कलर्स प्रिज्म में घुस रहे हैं? 7 कलर्स। तो अब इन 7 कलर्स में रेड लाइट सबसे कम स्लो होती है, तो वो सबसे कम नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, ऑरेंज उससे ज्यादा, येलो उससे ज्यादा, ग्रीन उससे ज्यादा, ब्लू उससे भी ज्यादा, इंडिगो उससे ज्यादा, और वॉयलेट सबसे ज्यादा नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। फिर जब प्रिज्म से बाहर निकलने की बारी आती है तो लाइट्स फिर से बेंड होती हैं, लेकिन इस बार नॉर्मल से दूर। रेड वाली लाइट सबसे कम नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, तो बाहर निकलने पर वो नॉर्मल से दूर भी बाकी सबके मुकाबले कम ही बेंड होगी। और इसी तरह वॉयलेट वाली लाइट सबसे ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो वो नॉर्मल से दूर भी सबसे ज्यादा ही बेंड होगी, और वो सब कुछ इस तरीके से प्रिज्म से बाहर निकलेंगी। ओके, तो इसका मतलब प्रिज्म में एक तरफ से व्हाइट लाइट घुसती है और दूसरी तरफ से 7 कलर्स बाहर आते हैं और रेनबो बन जाता है।
हाँ बिल्कुल सही। वाह मम्मा, ये तो बहुत मजेदार है। हाँ बेटा हाँ। वाह, मुझे भी ये देखकर मजा आ गया। प्रिज्म तो कमाल की चीज है। मैडम क्यूरियस, मैडम क्यूरियस, प्रिज्म से रेनबो बनाने का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन दोस्तों ये आसमान में रेनबो कैसे बनता है, और वो भी बिना किसी प्रिज्म के? जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी आगे आने वाली अमेजिंग कॉन्सेप्ट फिल्म्स जरूर देखिए।